नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोट क्लास के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि हम लोग टेस्ट ब्लॉक अगर हम कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्लास कैसे ऐड करेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग जब कोई पेज या कोई नोट क्रिएट करते हैं तो अगर हमें उसमें कोई क्लास ऐड करनी है तो वो कैसे ऐड करेंगे, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए हमें इस नोट क्लास करके एक मॉड्यूल है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपका जो भी वर्ज़न हो आप उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में डाल लें। मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो उसको सबसे पहले इसको इनेबल करते हैं। उसके लिए मॉड्यूल पेज पे जाएंगे। ये देखिए, नोट क्लास अलाउिंग असाइन CSS क्लास टू नोट्स। अगर आपको कोई भी CSS क्लास नोट के पेज पे लगानी है या हम जब बेसिक पेज क्रिएट करेंगे तो भी नोट ही क्रिएट होगा, तो उसके लिए सबसे पहले कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसको इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, इनेबल किया, देखते हैं इनेबल हुआ। इनेबल हो गया। अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, एक बेसिक पेज ऐड करते हैं। ये वो ऑप्शन आया है जो कि हमें यहाँ यूज़ करना है, नोट क्लास सेटिंग। ठीक है, आप सेपरेट क्लास इसमें लगा सकते हैं, स्पेस देके कि आपको अगर मल्टीपल क्लास इसमें लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक, कोई पेज बना लेते हैं हम लोग टेस्ट नाम से, टेस्ट पेज, डमी कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपको मेन्यू प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ से मेन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई पाथ देना है कि जैसे मैंने अभी टेस्ट पेज से बनाया तो टेस्ट पेज से ये डैश करके इस तरीके से इसका पाथ है, तो आप ये यहाँ सेट कर दीजिए। कमेंट आपको क्लोज करना है, ओपन करना है, यहाँ से सेट करते हैं। नोट क्लास की सेटिंग आपको यहाँ देनी है जो कि हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम आप टेस्ट नोड करके डाल देते हैं, नोड क्लास। अगर आपको सेपरेट क्लासेस देनी है तो आप यहाँ नोट क्लास करके भी दे सकते हैं। तो इसमें दो क्लासेस ऐड हो जाएंगी, एक टेस्ट नोड, एक नोड क्लास। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये है हमारा टेस्ट पेज। अब इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि ये कहाँ ऐड हुई है। ये है पेज टाइटल, हमारा नोट कहाँ गया, फाइंड करके देखते हैं। टेस्ट नोड, देखिए ये मिल गया जी, जो हमारा नोड नोड क्रिएट हुआ है। ठीक है, जो भी हमारा नोड क्रिएट हुआ है उसमें जो हमने दो क्लासेस ऐड की थी, सेपरेटेड क्लासेस ऐड की थी, एक टेस्ट नोड था, एक था नोड क्लास, ये दोनों आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था कि हम जब कभी नोड अपना क्रिएट करें और उसमें हम खुद की अपनी क्लास लगाना चाहते हैं तो हम पट्टी हर नोट के लिए अलग अलग हमें क्लास यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें ये मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, नोट क्लास। ठीक है, ये तो किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते थे ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।